बातचीत करेंगे आज हम पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, भारत में इसको कैसे देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ एक और अहम खबर है, इंग्लैंड की एक लॉ फर्म स्टॉक वाइट ने एक अजीब सा एब्सर्ड सा केस दायर किया है। उसमें ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ इश्यूज पाकिस्तान की नजर में है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भारत के आर्मी चीफ और हायर ऑफिशियल्स को एक तरह से कानून के दायरे में लाया जाए। बहुत ही एब्सर्ड सी खबर है। इस सब पर बातचीत होगी मेजर गौरव आर्या साहब से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। चाणक्या फोरम इनका एक बहुत ही बढ़िया थिंक टैंक है, इसकी वेबसाइट पे जाइए, इसके एप्स डाउनलोड कीजिए। स्वागत करते हैं मेजर गौरव आर्या साहब का। मेजर साहब वेलकम। बड़ी इंटरेस्टिंग और एब्सर्ड सिचुएशन है जिससे मैं बातचीत आपके साथ शुरू करना चाहता हूँ, आप क्या कमेंट्री करेंगे इस पर? सर दो तीन चीजें हैं ये। पहली बात तो मुझे लगता है कि ये सब तो खैर फजूल है, बेबुनियाद है। और जैसे पाकिस्तानी मीडिया भी कहता रहता है, पाकिस्तानी लोग, प्राइम मिनिस्टर कहते रहते हैं कि लॉकडाउन है। मैं तो इतनी बार जा चुका हूँ वहां पर, मुझे तो कभी लॉकडाउन दिखा नहीं। वो कहते हैं वहां पर मोबाइल फोन बंद है, हर शाम को कश्मीरी श्रीनगर से लाइव हो रहे होते हैं अपने फोन से, फेसबुक की पोस्ट डाल रहे हैं, सब कुछ। तो अगर इंटरनेट बंद है तो फेसबुक की पोस्ट कैसे डाल रहे हैं वो लोग, सोशल मीडिया कैसे कर रहे हैं? और तो ये सब चीजें सर। दूसरी चीज है, मुझे लगता है कि ये इसमें दो बातें। पहली चीज तो पाकिस्तान को शायद एहसास नहीं है कि भारत एक आजाद मुल्क है। हमने अपनी खुद मुख्तारी ना चीन को बेची ना गोरे को बेची सर, और गरीबी भारत में भी है, और कई कई जगह भारत में ऐसी गरीबी है कि आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें ये मंजूर है कि हम पेट पे पत्थर बांध के सो जाएं, किसी के सामने कटोरा डालना या हाथ फैलाना हमें मंजूर नहीं है। तो ये पाकिस्तानियों का ये कहना कि साहब आप आर्मी चीफ को अरेस्ट करिए और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऊपर, ये सब बेवकूफ़ी की, ये अहमकों की जन्नत जो है ना सर, इसमें रहते हैं ये लोग, ये अजीब और गरीब बातें करते हैं। जैसे कि अभी भी महारानी विक्टोरिया है और हम सब उसके अधीन हैं, हम सब गुलाम हैं, महारानी विक्टोरिया राज कर रही है भारत के ऊपर, और वो जो बोलेगी वो हो जाएगा। पहली चीज़, एक तो ये चीज़ कि सारे ये जो इन्होंने इल्जाम लगाए हैं बेबुनियाद हैं, पहली बात तो मैं ये कर दूं। दूसरी चीज ये कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री एंड अनलाइक पाकिस्तान वी हैव नॉट सोल्ड आवर सॉवरेनिटी सर, हम खुद मुख्तार मुल्क हैं। किसी की हिम्मत, हाँ ठीक है केस करते हो, मेरे खिलाफ भी केस कराए इन लोगों ने, मेरे खिलाफ भी एक FIR इन्होंने कैंट पुलिस स्टेशन में लॉन्च कर रखा है पाकिस्तान में। तो दैट्स ओके सर, ये लोग करते रहेंगे। और आखिरी में इसमें ये बात कहना चाहता हूँ सर कि मुझे लगता है बजट की कमी है। जब पैसा था तो इन्होंने जंगें करी, फिर कम पैसा हुआ तो इन्होंने टेररिज्म करी, अब बिल्कुल पैसा हाथ से निकल गया तो अब ये कह रहे हैं कि जी केस तो सर FIR तो मुफ्त में हो ही जाता है, उसके लिए तो पैसे वैसे नहीं लगते, तो यही काम करो। ऑन वन हैंड इट इज सेइंग इन देयर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दैट यू नो वी डोंट वॉन्ट वॉर विद इंडिया फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, हम अमन चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि अपने पूरे खित्ते के साथ ट्रेड, ये रोज सर प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं, ये ऐसे काम करते हैं, फिर इससे सरप्राइज भी हो जाते हैं कि यार ये हमसे बात क्यों नहीं करते, हमारा फोन क्यों नहीं उठाते मोदी जी, इंडिया हमसे ट्रेड नहीं करना चाहता, इंडिया नहीं करेगा, इनकी हरकतें ऐसी हैं सर। एंड इंडिया हैज मेड अप इट्स माइंड, मैं आपको बताता हूँ सोशल यहाँ पे क्या बात चल रही है, इंडिया हैज मेड अप इट्स माइंड टू पनिश पाकिस्तान। मैं आपको, कड़वी बात है ताहिर साहब लेकिन सच है, सच बोलना चाहिए हमें, एक कड़वी बात है लेकिन सच है, इंडिया हैज मेड अप इट्स माइंड टू वेरी सिवियरली पनिश पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज गेटिंग पनिश्ड फॉर इट्स ऑब्सेशन विद कश्मीर। ये जो चीजों के दाम बढ़ रहे हैं ना सर पाकिस्तान में, ये मास पनिशमेंट चल रही है, मास पनिशमेंट, सबको डंडे लग रहे हैं क्योंकि कुछ पाकिस्तानी हुक्मरानों का दे कांट कीप देयर माउथ शट, इनको ये नहीं पता मुंह कब बंद करना है, इनको ये नहीं पता बोलना क्या है, किसके सामने कब और क्या बोलना है। आपको भारत की पॉलिसीज नहीं पसंद आती, एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है, आप गाली गलौज पे उतर आएंगे तो फिर भारत के पास भी 10 तरीके हैं टू मेक पाकिस्तान ब्लीड फाइनेंशियली, फाइनेंशियल ब्लीडिंग होगी सर पाकिस्तान की जबरदस्त। अभी लोग कह रहे हैं कि मिनी बजट के बाद डॉलर विल टच 200 रुपीज, बातें चल रही है पाकिस्तान 180 तो क्रॉस कर ही गया, 200 टच करेगा फिर क्या होगा। और एक गोली फायर नहीं करी, 9 mm की एक छोटी सी पिस्टल का राउंड भारत ने फायर नहीं करा,
करने दीजिए इनको जो करना है, दे विल पे फॉर इट सर, दे विल पे, और सूद समेत भारत वसूलेगा इनसे, ये जो भी इनके शेनानिगंस है ना, ये जो बदमाशियां करते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, इसका हिसाब पूरा इंडिया लेगा सर, चुन चुन के। मैं सर, आपने कहा कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली ब्रीड करना भारत का टारगेट है, लेकिन पाकिस्तान तो अपने ही करतूतों की वजह से, जो एस्टेब्लिशमेंट के सरकारों के रहे हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं, तो वो तो खुद ही फाइनेंशियली ब्रीड हो रहे हैं, तो भारत को इसमें इतना क्रेडिट लेने की जरूरत क्यों है? सर ऐसा है कि इन्होंने ट्रेड बंद करी भारत से, भारत ने तो नहीं बंद करी, इन्होंने ट्रेड बंद करी। दूसरी चीज, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने भी बोला था, जहां तक FATF है, हम पूरी प्रूफ दे रहे हैं, जब भी कोई पाकिस्तानी वजीर अपना मुंह खोलता है और ऐसी ऐसी बातें करता है, रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट को सपोर्ट करता है, तो उसकी फाइल FATF के पास जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ सर, उसकी फाइल FATF के पास जाती है, पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसलेशन के साथ, इन 3-4-5 लैंग्वेजेस, पूरा का पूरा सर उसकी रिकॉर्डिंग और ट्रांसलेशन जाता है, नंबर वन। नंबर टू, जब भी पाकिस्तान कुछ ऐसी बातें करता है न्यूक्लियर वेपन्स की, है ना, कि जैसे इमरान खान ने बोला, इमरान खान की वो स्पीच कट के ट्रांसलेट करके 4 लैंग्वेजेस में वहां पे पहुंची है रेलिवेंट अथॉरिटीज के पास, कि पाकिस्तान इज थ्रेटनिंग न्यूक्लियर अटैक्स। तो मैं आपको बताता हूं, FATF को प्रूफ देना ये हमारा काम है सर। अब जैसे वो लड़की थी, उसका नाम हरीम शाह क्या नाम था, वो पैसे लेकर गई है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है सर, मनी, वो खुद दिखा रही है वीडियो पे, उसके शेख रशीद के साथ वीडियोस हैं, वो शाह महमूद कुरैशी, वो PMO पहुंची है, शाह महमूद कुरैशी की आई थिंक कुर्सी पे बैठी है, उसने वहां से वीडियो बनाया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी चेयर के ऊपर, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है सर, प्रूफ है सर सामने, शी इज अ नोन पर्सन, हरीम शाह इज अ नोन पर्सन, ऐसे तो नहीं कि अननोन कोई लड़की है, वो बहुत वेल नोन है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी काफी लोगों ने उसका नाम सुना है, तो हरीम शाह खुद बोल रही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये देखो पैसा वो दिखा रही है पाउंड, तो पाकिस्तान ऐसे कैसे निकलेगा सर FATF से? तो पाकिस्तान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खुद गलतियां कर रहा है, लेकिन हम भी निकाल रहे हैं सर अपने। देखिए, पाकिस्तान ने, हमें पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है ही नहीं सर, ये अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, एंड दे विल पे फॉर इट सर, दे आर ऑलरेडी पेइंग फॉर इट, इनका अशराफिया भाग जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं सर, 6-8 महीने के अंदर इनका अशराफिया इसी साल भागना शुरू कर देगा, जब डॉलर की कदर बहुत ज्यादा गिर जाएगी, इनका अशराफिया भागना शुरू कर देगा, और जो लोग हैं जो नहीं भाग पाएंगे, ये फिर हुकूमत को नोचेंगे सर, ये हुकूमत को नोचेंगे। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, इन लोगों ने बहुत गलत करा है भारत को छेड़ के, कई सालों से जो लगातार छेड़ रहे हैं सर, ये बहुत गलत कर दिया इन लोगों ने। भाई साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत गलत करा है भारत के साथ, जो मैस किए रखा इतने सालों से, जो टेररिज्म भारत में की, सब कुछ, लेकिन अब पाकिस्तान का ये कहना है कि हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, 100 साल भारत के साथ जंग नहीं करना चाहते, तो ये जो उनकी तरफ से अब ये नैरेटिव आ रहा है, आप इसको फिर कैसे देखते हैं? ये सब झूठी बातें हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं ताहिर साहब, मैं आपको सर साफ साफ बता दूं, किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, दो चीजों की जरूरत है सर। पहली चीज, इंटेंट, यानी कि आपकी नियत क्या है, और दूसरी चीज है कैपेबिलिटी, यानी कि आपकी काबिलियत क्या है। आपकी नियत देखी जाती है, नियत है करने की कि नहीं, और काबिलियत, पाकिस्तान की नियत है, पाकिस्तान की काबिलियत नहीं है। तो ये जो, देखिए, इमरान खान ने एक पॉलिसी निकाली कि हम 100 साल तक भारत के साथ जंग नहीं चाहते, क्या इमरान खान की सरकार 100 दिन भी चलने वाली है सर? आई डाउट, हो सकता है चल भी जाए, हो सकता है चल भी जाए, बट मुझे डाउट है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा ऐसा एनालिसिस है कि इमरान खान की सरकार 100 दिन नहीं चलेगी, फिर इसने 100 साल की गारंटी कहां से दे दी इस आदमी ने? दूसरी ये चीज है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ISI, पाकिस्तान आर्मी, ये इनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है सर, ये डायपर पैम्पर बना देते हैं बीच बीच में, और ये सब, ये पॉपकॉर्न वगैरह बेचते हैं या सीरियल बेचते हैं, वो सब ठीक है, वो इंटरनल है, दे डोंट हैव एनी एक्सपोर्ट्स एज सच, दे हैव नथिंग सर, इनकी इकोनॉमी नाम के भट्टा बैठा हुआ है, इनके पास यही है कि भारत के साथ जब भी कोई प्रॉब्लम हो, सबको बोलो कि साहब पैसा लगा दो, पैसा लगा दो, बीच में आ जाओ, क्योंकि हो सकता है कि दो न्यूक्लियर पावर है तो जंग हो जाए, न्यूक्लियर जंग हो जाए। शेख रशीद साहब कहते हैं कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगे,
तो ये सब चीजें, ये न्यूक्लियर सबको धमकी देना दुनिया भर में, तो ये पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग देयर ब्लफ। अब इनके कोई फोन भी नहीं उठाता। तो कहते हैं ना कि आलम इस्लाम में हम अकेले वाहिद न्यूक्लियर पावर है। अब लोग इनको बड़े नॉन सीरियसली देख रहे हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को जो नॉन सीरियसली देख रहे हैं, ये शुरुआत इंडिया ने करी थी। इंडिया ने जवाब ही नहीं दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान जब भी न्यूक्लियर धमकी देता है, जैसे कहते हैं कि पाओ पाओ के बम है, इंडिया कभी इसका जवाब नहीं देता। एक बड़ा ब्लैंड सा, एक बड़ा रूखा सा भारत ने जवाब दे दिया कि यू नो दी स्टेटमेंट शुड नॉट बी मेड, इस टाइप के। इंडिया ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। इन लोगों ने अपनी हिंदू नफरत और भारत नफरत के चलते अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, और इन्होंने अपने आप को कश्मीर के चलते बहुत ज्यादा डैमेज कराया सर। पाकिस्तान ने कश्मीर के चलते अपने आप को बहुत डैमेज कर लिया, बहुत ज्यादा डैमेज कर लिया, और ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो ये जो बात करते हैं ना कि 100 साल भारत से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये लड़ नहीं सकते इसलिए बोल रहे हैं। इनका दिल नहीं बदला सर, इनके हालात बदले हैं। इनका दिल नहीं बदला सर। जिस दिन इनके हालात अच्छे हो जाएंगे, फिर पीठ पे छुरा घोंपेंगे, जैसे वाजपेयी जी के साथ करा था। वाजपेयी जी के साथ करा था ना सर। मोदी जी गए थे पाकिस्तान और नवाज शरीफ साहब को बुलाया था अपने इनॉग्रेशन में, स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया था। उनके फैमिली में किसी लड़की की शादी थी, उसके लिए भी मोदी जी गए। गए ना, दिल खोला ना। जिसको आज ये कहते हैं हिंदुत्व और हिटलर और ये सब बातें करते हैं, फासिस्ट ये सब कहते हैं, वो शख्स गया ना, खुद खुद कदम बढ़ा के गया। एक फोन आया नवाज शरीफ का, ही वॉज इन काबुल और सम प्लेस एल्स, ही वेंट ऑल द वे टू पाकिस्तान, ही सेड कोई बात नहीं मैं लाहौर चला जाऊंगा, कोई बात नहीं देख लेंगे करा। तो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कहते हैं कि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, ये झूठ बोलते हैं सर, ये मार के ख्वाहिशमंद है सर। इनको जब पिटाई पड़ेगी तब इनको ध्यान, और पिटाई कैसी, फाइनेंशियल सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वायलेंस, मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा, फाइनेंशियल। पेट पे लात पड़नी चाहिए, पेट पे, पीठ पे नहीं, पेट पे। एवरीथिंग इतना महंगा हो जाए, और ये इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे जिद में, अच्छी बात है, और जब तक ये इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे सर, तब तक इनके दाम बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे चीजों के। क्योंकि सर एक बात बताइए, ये कह रहे हैं चाइना हमारा भाई है, कोई भाई नहीं है सर। चाइना, चाइना जैसा तो भगवान सौतेला भाई ना दे किसी को। अगर चाइना इतना बड़ा भाई है और चाइना ने इनको गोद में पाल रखा है, तो इतना बुरा हाल क्यों है इकोनॉमी का? क्या चाइना के लिए मुश्किल है पाकिस्तान को संभालना? नहीं, चाइना करना नहीं चाहता। चाइना कोई बैंकरप्ट कंसर्न में कौन पैसा डालता है सर? हिंदुस्तान के साथ ही बना के रखेंगे नहीं, जिसकी वजह से इनका खून निकल रहा है बुरी तरीके से। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अगर मैं होता तो मैं यही करता कि कल अगर पाकिस्तान बोले कि नहीं हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, बोले नहीं सॉरी अब नहीं हो पाएगा, जाओ। ऑल द बेस्ट टू यू, हम आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं कर रहे, लेकिन हम आपके साथ कोई सरोकार नहीं रखना चाहते, हम आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, आप खुद मैनेज करिए। आपको एक मुल्क चाहिए था, आपको मिल गया ना मुल्क, आपको पाकिस्तान चाहिए था, मिल गया पाकिस्तान, अब संभालो इसको। हम पाकिस्तान को भी संभालें ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। आपका मुल्क है, जिन्ना साहब ने आपका मुल्क, आप संभालिए उसको, आपकी आपकी जिम्मेदारी, आपका मुल्क है। तो आपने चाइना की बात की, चाइना का तो ये हाल है कि वो तो $30 मिलियन उन्होंने बासु डैम पे, जो उनके इंजीनियर कुछ मरे थे और कुछ जख्मी हुए थे, उनके लिए मांग ली है। तो जो इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है, वो तो $30 मिलियन नहीं छोड़ रहा। तो इनके अब चाइना के साथ तल्लुकात आपको कैसे दिखते हैं, क्योंकि इनका तो बहुत दारोमदार चाइना पर था सर। ये पाकिस्तान के साथ गलती है सर। पाकिस्तान ना कभी अपने इंस्टीट्यूशंस ठीक नहीं करता। वो पंजाब में होता ना गांव में चौधरी, ये वाला कल्चर है सर इनका, अभी तक कोई कल्चर इधर, फ्यूडल कल्चर। एक मसीहा आएगा जो सब ठीक कर देगा सर, वो कभी मसीहा इमरान खान होता है, कभी वो मसीहा परवेज मुशर्रफ होता है, कभी कोई होता है, कभी कोई, कोई ना कोई इनका मसीहा रहता है जो कि आएगा तो सब ठीक कर देगा। एक बार वो कुछ मंत्र वंतर पढ़ेगा, तस्वीर वस्वी गोल घुमाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दे आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल, काम करने को कोई राजी नहीं है, दे आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, आपने दासू डैम की, वो 35 से 38 मिलियन डॉलर का कुछ था जो उन्होंने फाइन मांगा था, वो पाकिस्तान ने दिया नहीं अभी तक। पाकिस्तान बातचीत कर रहा है। और देखिए, सीपैक इज डेड सर, मैं आपको बताता हूँ, सीपैक मर चुका है, ठीक है। अब उसकी लास्ट राइट जो है, जो पढ़ते हैं ना वो नमाज जनाजा, वो पढ़ पढ़ा के, फातिहा पढ़ पढ़ा के खत्म करें इसका, सीपैक का। क्योंकि चाइना, इन्होंने क्या झूठ बोला सर चाइना को, पाकिस्तानियों ने चाइना को गोली दी। गोली क्या थी?
बोली ये दी, चूरन ये खिलाया कि साहब जो अफगान तालिबान है वो हमारी पीछे वाली जेब में, आप जब बुलाएंगे हम पेश कर देंगे उनको, आप हुक्म तो करें जनाब, आप हुक्म करें। हुक्म कर दिया चाइना ने, ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। चाइना अभी तक मूवमेंट कर जाता अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। इन्होंने रॉन्ग कमिटमेंट दे दी चीन को। तो आप जो बात कर रहे हैं दासू डैम की सर, उसके अलावा दासू डैम का प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, सीपैक चल नहीं रहा, और अब पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है सर। मैंने आपसे पहले भी बोला था, हम तो दुआ करते हैं सर इमरान खान अगले 15-20 साल बना रहे प्रधानमंत्री जोरों शोरों से, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे ही लोग समझ में आते हैं सर, जो अच्छे लोग हैं ना, अच्छे लोग पाकिस्तान को समझ में नहीं आते। तो ठीक है सर, चलेगा, ये चलेगा ना, ना ना इनको चीन से पैसे मिलने हैं, ना अमेरिका से पैसे मिलने हैं, ना सऊदी से मिलने हैं, सऊदी जलील करके तो पैसे देता है सर। IMF से ये $1-1 अरब की भीक मांग रहे हैं सर, $1-1 अरब की, लेकिन कहीं ना कहीं से लोन लेके अपनी खुद मुख्तारी को दांव पे लगा के कुछ ना कुछ करके अपनी जमीन बेच के चाइना से JNC इन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट ले लिया, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ रफेल का मुकाबला करना है। एक तरफ भीख मांग रहे हैं और उतने ही अमाउंट के इन्होंने, अब इन्होंने पैसे तो नहीं दिए होंगे चाइना को, तो क्या दिया सर चाइना को, क्या दिया सोच लीजिए। तो देखिए सूरत हाल में सब बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि एक वीडियो वायरल हुआ हुआ है शाह महमूद कुरैशी का, उनसे जब पूछा जाता है, कुछ स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं चाइना के रीसेंट लॉकडाउन के हवाले से, तो वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं शाह महमूद के, जैसे चीन से जो एक तरफ तो दावे हैं कि आसमान से बुलंद और समुंदरों से गहरी दोस्ती है, और दूसरी तरफ वो चीनी सदर के लिए जिस तरह एक रफ सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो वीडियो शायद आपने भी देखा होगा। तो ये फिर पूरे का पूरा नैरेटिव क्या है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है क्या सर? मैं आपको बात बताता हूँ, ये ना मेरा ऐसा गेस है, 6 महीने के अंदर पाकिस्तानी मीडिया जो शिंजियांग में वीगर मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके बारे में बातचीत करना शुरू कर देगा। मैं बता रहा हूं, अभी तक इनके लिए चीनी मुसलमानों का दर्द छाती में इसलिए नहीं उठा क्योंकि वहां से पैसे आ रहे थे। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाएगी, अभी उम्मीद है थोड़ी सी इनको, लग रहा है इनके एस्टिमेट के हिसाब से, जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाएगी वहां पे भी, अब देखिए ना इनको पता ही नहीं, ये सऊदी एम्बेसडर के सामने बैठे हैं उसके मुंह पर जूता लगा के बैठे हैं शाह महमूद कुरैशी, राइट? ये बात करते हैं शी जिनपिंग जिसके चलते पाकिस्तान चल रहा है, उसके बारे में वो तो निकले ही नहीं, वो खुद नहीं निकल रहे, 2 साल से ऊपर हो गए चाइना से नहीं निकले, हमें भी ऐसे ही करते हैं वो लोग, वो ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ। मैंने पूरा वीडियो देखा, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर एंड आई हैव नेवर सीन सच एन अनसोफिस्टिकेटेड फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन सर्विस वाले तो सर बिल्कुल अंग्रेजों के अंग्रेज होते हैं, द वे दे स्पीक, यू नो उनका द वे दे स्पीक, द वे दे कंडक्ट देमसेल्व्स, ये जो इंडियन फॉरेन सर्विस वाले हैं, मैं हमारे एम्बेसडर्स देखता हूँ सर, मतलब एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड सर। आप उनसे इंडियन कल्चर के बारे में बात करिए तो वैसे बात करेंगे, आप उनसे फॉरेन कल्चर की बात करिए तो ऐसे बात करेंगे, जिस तरीके से मेजर नाप तोल के, जैसे कि तोले के हिसाब से लफ्ज है ना, तोले के हिसाब से वो लोग खर्च करते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस वाले, बड़े नाप तोल के सर, बिकॉज दे नो दैट वॉट एवर दे स्पीक फ्रॉम देयर माउथ शुड बी द कंट्रीज पॉलिसी। यहां पे पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर सर वो ऐसे बात करता है जैसे कॉलेज के लौंडे बात करते हैं ना, ही टॉक्स लाइक दैट, इसीलिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बेड़ा गर्क हो रखा है, उनका प्राइम मिनिस्टर भी वैसी बातें करता है जैसे कोई यूनिवर्सिटी कैंपस में बात कर रहा होगा। वो संजीदगी है ही नहीं, वो मैच्योरिटी है ही नहीं, वो एहसास नहीं है कि किस कुर्सी पर ये लोग बैठे हैं, वो एहसास ही नहीं है। दे आर डैमेजिंग, वो वीडियो मैंने देखा, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ऐसी लैंग्वेज, देन आई सेड नहीं नहीं ये तो शाह महमूद कुरैशी है, यही आदमी था ना जिसने सऊदी एम्बेसडर की ओर जूता लगाया था, तो ये कर सकता है ऐसी बात। तो मेरे साहब जो पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी सामने आई है सिक्योरिटी के हवाले से, इसमें भारत का भी जिक्र है, 100 साल जंग ना करने की बात अभी आपने पीछे उसका भी तस्करा किया, और अफगानिस्तान के बारे में भी ऑफ कोर्स बातें होंगी, इसलिए कि अफगानिस्तान भी और खासतौर पर तालिबान की ये जो सरकार है ये भी इनका बहुत बड़ा एक कंसर्न है, और ये भी एक काफी इनका मतलब चैलेंज है इस वक्त। तो आप इस सारी सूरत हाल को, इस सिक्योरिटी पॉलिसी को अफगानिस्तान और तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? सर देखिए, ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है पाकिस्तान की,
मुझे तो समझ में नहीं आई सर, मैंने दो तीन बार पढ़ा इसको, आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस पॉलिसी ऑनेस्टली, दिस पॉलिसी हैज नो डेप्थ, राइट, इसमें कोई डेप्थ नहीं है, इट इज नॉट थॉट थ्रू, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी इंग्लिश ऑनर्स का सेकंड ईयर का स्टूडेंट है ना सर, इससे अच्छी पॉलिसी लिख सकता है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और एक बात बताइए, ये कहते हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, सर जिस मुल्क का बैंक उसका खुद का ना हो, उसकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी खुद की कैसे हो सकती है? नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो पैसे चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज कंट्रोल्ड बाय IMF सर, इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय IMF, इतनी बड़ी बड़ी बात है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, भारत के साथ चार जंगें लड़ ली, राइट सर, और ये ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद और ये सब एंटी टेरर ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए विदाउट अ पॉलिसी, इसका मतलब इसके पहले पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी नहीं, दिस कंट्री वॉज रनिंग ऑल दीज वॉर्स एंड ऑल दीज एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ऑपरेशंस विदाउट अ पॉलिसी, तभी तो कारगिल जैसा ये लोग अंडा देते हैं सर, ये पाकिस्तानी दे ले एन एग लाइक कारगिल, क्यों, देयर इज नो पॉलिसी, जो ऊपर वाले उसने बोल दिया, माई बाप ने हो गया काम, मुशर्रफ ने बोल दिया अटैक, दे सर ठीक है जनाब, जो हुक्म, अटैक कर दिया, पिट गए। तो ये सर, ये मैं बता रहा हूं ना कि दे अफगानिस्तान के बारे में, वो आपको पता है डॉक्टर मोहित यूसुफ का जाने का था अफगानिस्तान, वो नहीं गए, क्यों नहीं गए सर, क्यों नहीं गए, वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां पे उनको पता लग गया था कि तालिबान ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रखा है वहां पे, कि पाकिस्तान आए आए और मोहित यूसुफ आए आए, वहां पे 10,000 खड़े हो जाते अफगान वहां पे और इनके खिलाफ नारेबाजी करते, तो उनको डर लग गया, एक गए नहीं वहां पे। सर मैं ये कहना चाहता हूं ना कि एक ये एक समझ होनी चाहिए किसी भी मुल्क में, अपने कद से ऊंची छलांग लगानी तो जमीन पे गिरेगा आदमी, कि हर समय अपने कद से ऊंची छलांग लगाते हैं सर, हर समय अपने कद से ऊंची छलांग लगाते हैं। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आपने इंडिया से पंगा ले लिया, हासिल क्या हुआ आपको, ये केस कर दिया लाहौर, ये अपने लंदन के या मेट्रोपॉलिटन पुलिस वहां पे, उससे होगा क्या, हासिल क्या होगा इससे? ये ऐसे ही काम करते हैं सर जो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन हासिल इससे कुछ नहीं होता। मोहित यूसुफ क्यों जा रहे हैं अफगानिस्तान, क्या बात करने जा रहे हैं, जब इन्होंने बोला कि हम एक्सपर्ट्स भेज रहे हैं आपके पास, इन्होंने बोला कि हम एक्सपर्ट्स भेज रहे हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया, कह रहा तुम्हारे एक्सपर्ट चाहिए नहीं, तुम पहले अपना मुल्क तो ठीक करो यार, तो हमें क्यों पट्टी पढ़ा रहे हो, तुम्हारा मुल्क खुद नीचे जा रहा है नाली में गटर में, तुम हमें स्टोरी सुना रहे हो कि हम अफगानिस्तान को ठीक करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान के जो सपने हैं ना सर, ये सपने सबके समझ के बाहर है, खुद के मुल्क का बुरा हाल है, ये अफगानिस्तान को ठीक करना चाहते हैं और तालिबान हाथ जोड़ रहा है इनके सामने कि बॉस हमें आपसे मदद नहीं चाहिए, कौन सी, पश्तों में समझा दिया, उर्दू में समझा दिया, अंग्रेजी में समझा दिया, इनको समझ नहीं आ रही, ये फिर कह रहे नहीं अफगानिस्तान की मदद करो, रोज जलील करता है वो सर, रोज जलील करता है, कभी फैंस उखाड़ के फेंक देते हैं वो लोग, कभी कहते हैं ड्यूरन लैंड को नहीं मानते, कभी कहते हैं तुम्हारे NSA को आने की जरूरत नहीं है, कभी कहते हैं तुम लोग हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करो, हमारे लिए क्यों बात कर रहे हो, रोज अफगान तालिबान से स्टेटमेंट आते हैं रोज के रोज, समझ में नहीं आती कि फिर दीवाने बने फिर उनके बीच, दिस इज अ प्राइस दैट दे हैव टू पे ना सर, इनको दाम देना पड़ेगा। तो इमरान खान ने तो पिछले दिनों ये भी दावा कर दिया था कि पाकिस्तान की इकॉनमी भारत के करीब बराबर है, बल्कि यहां तक के भारत से भी बेहतर है, तो इस जोक को भारत में कैसे देखा गया सर? अब इमरान खान के जोक्स पे कोई हंसता नहीं सर, एक जमाने में हम काफी हंसते थे, और वही जोक्स वो रिपीट करता रहता है सर, भारत की इकोनॉमी अच्छी है, कल बोल देगा कि अमेरिका क्या है, मतलब वो कह देगा इमरान खान हिल से कि जो बाइडन मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे पाकिस्तान की शहरियत दे दो, तो मैंने मना कर रखा है इसको, कह देगा पुटिन मेरे कदमों पे लेटा हुआ था, कह देगा शी जिनपिंग पाकिस्तानी बनना चाहता है, लाहौर में प्लॉट लेना चाहता है DHA में, वो कुछ भी कह सकता है सर, इमरान खान कुछ भी कह सकता है, हमें उसकी बात सीरियसली ले, इंडिया में इमरान खान की कोई बात नहीं करता, इमरान खान को कोई सीरियसली नहीं लेता, मीडिया में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा, बिकॉज यू ऑल्सो रिक्वायर कॉमिक रिलीफ, हल्का फुल्का सा डिस्कशन हो जाता है, नोबडी इज, इंडिया में आज इमरान खान की बातें करना ये खत्म हो गया है, इवन इफ समबडी गिव्स अ न्यूक्लियर थ्रेट, इंडिया में एक दो कोई मीडिया हाउस ने कभी कोई अगर उनके पास स्पेस हुआ डिस्कस करने का तो डाल दिया इंडिया पाकिस्तान के नाम पे, वरना नोबडी इज टेकिंग इमरान खान सीरियसली इन इंडिया, ये रहे तो अच्छा ना रहे तो अच्छा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये वाला एटीट्यूड है इंडिया में। पीछे आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल पॉलिसी में ये तो कहा है कि भारत से हम 100 साल जंग नहीं करेंगे, मगर हिंदू के खिलाफ जो नफरत है वो इमरान खान की ट्वीट्स में हर रोज हमें देखने को मिलती है,
इसके साथ साथ वो मोदी जी पे उनका यही होता है इतने कड़ा इल्जाम कि मोदी जी जो हैं वो फासिस्ट हैं कोट अनकोट, और ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हालांकि ये वही मोदी जी हैं जिनसे ये गुजरात में जाकर मिले थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तब अगरचे ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो तब तो गुजरात में मोदी जी को इनकी नजर में तो तब भी कॉन्ट्रोवर्शियल समझा जाता था, तो ये तब मिले तो तब क्या मोदी जी ने घास चाली थी तो ये मिल गए, अब इनको कोई फोन नहीं करता तो नहीं मिलते, तो ये नैरेटिव में तब्दीलियां क्यों हैं इतनी खौफनाक और इतनी नफरत क्यों है हिंदू के खिलाफ? सर पाकिस्तान बना था हिंदू हेट्रेड पे ही तो बना था। टू नेशन थ्योरी क्या है सर? कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए अलग मुल्क बनना चाहिए। ये दोनों अलग अलग तहजीबें हैं, अलग कल्चर हैं, अलग सिविलाइजेशन हैं। दैट वाज टू नेशन थ्योरी। तो पाकिस्तान वाज यू नो जो भी कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती होनी चाहिए, पाकिस्तान से अच्छे संबंध होने चाहिए, जो भी इंडियंस, उनसे पहले मैं ये पूछ लूँ कि भाई आपको ये पता है कि पाकिस्तान बना किस बेसिस पे था? पाकिस्तान वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू हेट्रेड। इमरान खान कुछ अपने हिसाब से कोई गलत बात नहीं कह रहा सर। एज अ नॉर्मल पाकिस्तानी ही इज सपोज टू हेट हिंदूज, वो उसको पाकिस्तानी स्टडीज में उसको यही सिखाया गया है बचपन से, तो क्या करेगा सर? दूसरी चीज है कि जहां तक आपने बोला कि ये मोदी जी से मिलने गुजरात चला गया था जब मोदी जी वहां पे चीफ मिनिस्टर थे, वजीर आला थे गुजरात के, तब ये चला गया। देखिए ये चाहता है कि किसी तरीके से मोदी जी को गाली देता रहूं और कुछ इंडिया से रिएक्शन आ जाए, ये चाहता है इंडिया से रिएक्शन आ जाए, और जब इंडिया से रिएक्शन आ जाएगा फिर ये लड़ाई लड़ना शुरू कर देगा ट्विटर पे और मीडिया में आके कि देखो इन्होंने ये बोला है ये बोला है। इंडिया भाव नहीं डाल रहा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता ये रोज हजार ट्वीट करे मोदी जी के खिलाफ, रोज हजार ट्वीट करे, और दुनिया पूछने लगी आजकल कि अगर मोदी जी ये कह रहे हैं, मोदी जी ने कभी ये नहीं बोला कि भारत को हिंदू स्टेट होना चाहिए, कभी नहीं बोला। आप उनका कोई भी स्टेटमेंट देख लीजिए, ना उनके किसी मंत्रिमंडल में किसी ने बोला। इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्युलर कंट्री, बट मुझे लगता है कि ये हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, ये किस मुंह से बात करते हैं? इन्होंने तो अपना पूरा मुल्क एक इस्लामिक मुल्क बना लिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं ना सर इसको, खुद का मुल्क इस्लामिक बना दिया तो ठीक है, कोई अपना मुल्क अपने धर्म के हिसाब से बनाना चाहे इनको बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है भाई? हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया को बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, पर कम से कम ये बात पाकिस्तान तो ना करे। ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का बनता नहीं है इस चीज पर कमेंट करना सर। इस सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप क्या भारत में बैठे हुए ये देखते हैं कि पाकिस्तान की ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है इनफैक्ट ये भारत के किसी काम की नहीं, इसका मतलब यही मैं लें? सर ये पाकिस्तान के भी किसी काम की नहीं है, भारत के तो क्या काम की होगी ये? भारत के तो भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भारत के काम की होगी, ये पाकिस्तान के भी काम की नहीं है। ये अब देखिए ना ये क्या कह रहे हैं, इनका ये कहना है इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का कि जब तक बीजेपी की सरकार है, जब तक बीजेपी की सरकार है तो भारत के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। इंदिरा गांधी कांग्रेस की थी जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे सर। इंदिरा जी कांग्रेस की थी, इंदिरा जी ने जो भी करा शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड शी गेव द ऑर्डर्स for Pakistan to be divided into two countries and it was done. And General Sam Manekshaw, later Field Marshal, and General Arora was there, and General Jacob was there, and so many other generals were there, and senior officers, junior officers, JCOs, jawans, इन्होंने मिलके Army, Navy, Air Force ने मिलके कर दिया ना, तो उस समय तो कांग्रेस थी पावर में, तो क्या तवक्को रखते हैं ये? देखिए बात यह है ना कि बार बार ये कहना कि नेशनल हम बीजेपी ये क्या करेंगे, इसका मतलब ये अगर बीजेपी मोदी जी फिर जीत गए, क्योंकि चांसेस हमें दिख रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में मोदी जी जाएंगे, फिर ये क्या बोलेंगे कि नहीं जी अब इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को हम पोस्टपोन करते हैं, फिर आगे देखेंगे हम क्या होता है? ऐसे थोड़ा ना होता है। आप पॉलिटिकल पार्टीज से आप इख्तलाफात नहीं करते, आप मुल्क जब कंट्री टू कंट्री बात होती है सर, मुल्क की पॉलिसी होती है, और मुल्क की पॉलिसी वही चीज है ना, एक्चुअली पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस नहीं है, और मैं उनकी गलती भी नहीं मानता सर, उनके इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं, वहां पे कुछ है ही नहीं, वहां पे सिर्फ एक पर्सन है। अब उनको ये मोदी जी के पीछे पड़ गए, इनको लगता है कि मोदी जी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी जी, ऐसा नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के,
एंड नो डाउट, नो डाउट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, 130 करोड़ हिंदुस्तानी, और जहां मोदी जी रास्ता दिखाते हैं वहां पे इंडियन गवर्नमेंट चलेगी, भारत चलेगा, वो बात ठीक है, उनको इख्तियार है, उस पावर है, उनके पास कुर्सी है, और वहां पे लोगों ने उनको बैठाया है, मोदी जी खुद आके नहीं बैठे, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने बोला कि आप इस कुर्सी में विराजमान होइए, आप हमारे लीडर हैं, उनको माना जाता है, एंड इज अ मास लीडर, इमरान खान इज नॉट अ मास लीडर सर, मोदी जी को कुर्सी पे गद्दी पे बैठाया है 130 करोड़ भारतवासियों ने, इमरान खान को गद्दी में बैठाया है जनरल कमर जावेद बाजवा ने। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, मैं ये कह रहा हूं इंडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है सर। अब पैसे की बात छोड़िए ना, छोड़ दीजिए पैसे की, पैसा तो आने जाने वाली चीज होती है सर, आज है कल नहीं है परसों है, यू अंडरस्टैंड मोदी जी क्रेडिबिलिटी सर, द क्रेडिबिलिटी द मैन हैज। इमरान खान तो कल ये बोल देना कि बाहर बारिश हो रही है तो लोग ऐसे पर्दा हटा के देखने कंफर्म करें आदमी सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ये बात है। मैं सब आखिर में हमें ये बताइए कि ये जो सारी सिचुएशन है, अगरचे ये बात मैं हर बार आपसे पूछता हूँ और पूछनी भी चाहिए, कि साउथ एशिया में जो भी सिनेरियो है जियोपॉलिटिक्स का, जो ऑफ कोर्स हर हफ्ते बदलता है या एक कदम आगे जाता है या पीछे जाता है, तो आज के दिन जो वहां का कॉन्टेक्स्ट है अफगानिस्तान के हवाले से, ईरान पाकिस्तान और भारत सिचुएशन आपको कैसे नजर आती है ग्राउंड पे? सर मुझे ऐसा लगता है कि पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग, जैसे श्रीलंका की बात करिए, नेपाल की बात करिए, इनको ये पता लग गया कि हमारा सच्चा दोस्त भारत ही है। हो सकता है भारत चीन के हिसाब से कम पैसे दे, हो सकता है भारत चीन के मुकाबले कम पैसा दे, लेकिन भारत कभी ये नहीं बोलेगा कि तुम हमारे पैसे वापस नहीं कर पाए इसलिए हनुमान टोटा फोर्ट हमारा है 99 साल के लिए। भारत ने ये सर ये नौटंकी चीन वाली कहीं नहीं करी, और भारत ने भी कई मुल्कों को, दर्जनों मुल्कों को पैसा दिया है, भारत ने एक इंच जमीन नहीं ली, एक इंच किसी की ना, हमें चाहिए सर किसी की जमीन, वी आर देयर टू डू बिजनेस और वी आर देयर टू बिल्ड गुडविल, हर जगह बिजनेस नहीं होता, हर जगह गुडविल नहीं होती, वो हमें देखना है हम किस तरीके से क्या। ये श्रीलंका को पता लग गया, नेपाल को पता लग गया सर। जहां तक ईरान की बात है, ईरान को पता है सर, जब पूरे दुनिया ने सैंक्शन कर रखे थे हम ईरान से तेल लेते थे, हमने ईरान से ऑयल लिया है, और दूसरी एक और चीज है कि नाउ इंडिया इज प्रोजेक्टिंग ईरान एज एन अल्टरनेट रूट टू सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान को सर, पाकिस्तान ने सर इस कामधेनु गांव से गाय से बहुत दूध निकाला है, ये जो कामधेनु गाय है ना सर, जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिसको कहते हैं, पाकिस्तान ने बहुत फायदे उठाए हैं सर इसके, बहुत फायदे उठाए हैं कि हम बताएंगे कि यहां से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, हम दरबान हैं, हम दरवाजा खोलेंगे तब तुम अफगानिस्तान जाओगे। इंडिया के तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं सर ईरान के साथ, और अब इंडिया धीरे धीरे सर बैक बैक चैनल जो डिप्लोमेसी होती है उससे इनकी और सऊदी की बात करा रहा है। ईरानियंस और कुछ लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता ये बात सच्ची की गलत है, लेकिन ईरानियंस और इजरायलीज की बात करा रहा है भारत, ऐसा सुनने में आया, र्यूमर है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर इंडिया करवा रहा होगा। क्यों? अमेरिका को ये कन्विंस करने के लिए कि ईरान के साथ लड़ाई वड़ाई छोड़ो, न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो भी है, जो भी डिसीजन लेना है ले लुआ के रफा दफा करो, और आखिरी में एक चीज का ध्यान रखना कि अगर कुछ भी सामान ले जाना है वहां पे चाबार पोर्ट है, आपको बिन कासिम पोर्ट की जरूरत है ही नहीं, आपको बिन कासिम पोर्ट की जरूरत है ही नहीं कराची में, आपको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, आप ईरान के साथ अच्छा करिए सब कुछ। और जो ईरान कह रहा है, ईरान की थोड़ी सी बात मानिए, इमोशनल चीजों को कोने में रखिए, धंधे की बात करिए, बिजनेस की बात करिए, ईरान के पास तेल है, ईरान हैज गॉट ऑयल, ईरान इज फ्लोटिंग ऑन अ सी ऑफ ऑयल, आप ईरान का फायदा उठाइए, ईरान से तेल खरीदिए, ईरान की इकोनॉमी को यू नो एट अ सर्टेन स्टेबल लेवल ले जाइए, और जो आपको सेंट्रल एशिया जाना है आप ईरान के थ्रू जाइए, पाकिस्तान को इग्नोर करिए। और मैं बता रहा हूं ये चीज सर 5 या 10 साल में हो जाएगी। पाकिस्तान जो चिल्लाता ना जियो स्ट्रेटेजी, पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है कि उसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, राइट सर, वो जमाना चला गया रशिया और इंडिया के बीच में बफर स्टेट, वो सब स्टोरी खत्म होगी सर 1990 के बाद, राइट, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर वाखान कॉरिडोर के ऊपर क्या है सर इस साइड में, ये तजाकिस्तान और इस्तानी तो स्टेट्स हैं, पाकिस्तान डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद रशिया सर, पाकिस्तान डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद रशिया, पाकिस्तान हैज अ बॉर्डर विद इंडिया, बॉर्डर विद अफगानिस्तान, बॉर्डर विद चाइना, बॉर्डर विद ईरान, एंड थ्रू द वाखान कॉरिडोर और बॉर्डर विद तजाकिस्तान, आप मान लो अगर आपको मानना है, क्योंकि इट्स अ नैरो स्ट्रिप 30, 35, 40, 50 किलोमीटर का है, अगर आप उसको नेगेट कर ले तो आप कंसेप्चुअली कह सकते हैं कि जी
पाकिस्तान हैज गॉट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया आप कह सकते हैं, लेकिन कायदे से पाकिस्तान को एक्सेस है सेंट्रल एशिया, दैट इज थ्रू अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के थ्रू है ना सर, और तो कोई एक्सेस नहीं। वही अफगानिस्तान को एक्सेस और सेंट्रल एशिया को एक्सेस आपको ईरान दे देगा, पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा स्टेबल है सर, 10 गुना ज्यादा स्टेबल है पाकिस्तान से, एंड दे कीप द प्रोमिसेस सर, ना वो दुनिया से पैसे मांगते फिरते हैं। तो ये चीज एक ऑल्टरनेट बन रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को टोटली निगेट करने का, उसको खत्म करने का, जिसके ऊपर पाकिस्तान धमकियां देता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इंडिया ने गेहूं भेज दिया, इंडिया ने दवाइयां भेज दी सर ईरान के थ्रू, बस इंडिया यही कर रहा है सर, इंडिया सामान भेजता रहेगा ईरान के थ्रू और दुनिया को दिखाता रहेगा कि अगर तुम्हें अफगानिस्तान सामान भेजना है या सेंट्रल एशिया से ट्रेड करनी है तो हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, आओ चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी सड़कें हैं, इंडिया वहां पे रेल ट्रैक्स बना रही है सर, रेल रोड बना रही है, सड़कें बना रही है, आप आओ अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करो, सेंट्रल एशिया जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान की आपको जरूरत है ही नहीं, यू डू नॉट नीड पाकिस्तान, फॉर व्हाट, क्यों चाहिए आपको पाकिस्तान। बहुत आखिर में मेरे साहब, मैं हमेशा की तरह आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपका चाणक्य फोरम है उसकी वेबसाइट पे और उसके पसे पर्दा क्या काम हो रहे हैं, अपने और हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी इसकी भी जानकारी दीजिए। बस नए नए ऑथर्स को लाने की, नए नए लेखकों को लाने की कोशिश है, जो नए नए फैक्टर्स हैं, नए नए इश्यूज हैं उनके ऊपर वीडियोज आ रहे हैं हमारे, आर वीडियो सेक्शन इज डूइंग वेरी वेल सर, और बढ़िया चल रहा है, आपके आशीर्वाद से सर एवरीथिंग इज गुड, सब बढ़िया चल रहा है। थैंक यू वेरी मच मेरे साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया, और जो आपके खरे खरे तबसरे हैं खास तौर पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के पर्सपेक्टिव में, आपने बिला तकल्लुफ बयान किया है। थैंक यू सर। व्यूज बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या साहब की हमारे आज के बिला तकल्लुफ शो में, और हमारा टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ आप इसमें डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो हमें पेपॉल के जरिए, पैट्रियन के जरिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह हम तबसरे लेकर आते रहेंगे आपके साथ, डाइवर्स तबसरे, सभी दोस्तों के मुख्तलिफ एंगल से जियो पॉलिटिक्स को हम भी देखते रहेंगे, आपको भी दिखाते रहेंगे।